दासन राम जान की मुदित मन दशरथ भये बैठे बरासन राम जान की मुदित मन दशरथ भये। तुम लोग भी अपने बेटे को बरासन पर देखते होगे। बाबा जितने बैठे हैं वो नाती को बरासन पर बैठा देखते होंगे तो सत्य कह रहा हूं प्रसन्न होते होंगे। आह यही दिन तो देखना था कि ये बरासन पर बैठे। अच्छा बरासन पर बैठने का नियम है क्योंकि वंश वृद्धि के लिए बरासन आवश्यक है। वंश कैसे चलेगा बोलो भाई? वंश तो चलाना पड़ेगा। और याद रखना बरासन साधारण नहीं होती है, बरासन साधारण नहीं होती है, ये भाग्यवानों को ही मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए, लेकिन बरासन पर नहीं बैठ पाए। क्यों भाई? इतना बड़ा बड़ा पद मिल गया उन्हें लेकिन वो चांस नहीं मिला है। साधारण नहीं होती है बरासन, ऐसा मत मानना कि ये तो सामान्य सी बात है। रिक्शा वाला भी बरासन पर बैठ जाता है, मजदूर मजदूरी करने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को ये आसन मिल जाए। बरासन मजदूर के लिए सुलभ हो जाती है बरासन है। सावधान बैठे बरासन राम जानकी, लेकिन बर का मतलब होता है श्रेष्ठ। इससे चेतावनी है तुम्हारे लिए, खास तौर से नौजवानों के लिए चेतावनी दे रहा हूं। जो बच्चे कथा सुन रहे हैं उनके लिए चेतावनी दे रहा हूं कि जो बरासन है उस आसन पर बर ही बैठ सकता है। बर मानी श्रेष्ठ होता है, जिसका श्रेष्ठ आचरण हो उसी को बरासन पर बैठना चाहिए। सबको अधिकार नहीं है, है? कि झूमते हुए चले आ रहे पी के, हम तो बैठेंगे बरासन। खबरदार, गलत। किसी के घर को क्यों बर्बाद करने जा रहे हो? किसी की बेटी की जिंदगी खराब क्यों खराब क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं श्रेष्ठ आचरण अपनाओ। महाराज दशरथ इसलिए प्रसन्न है, महाराज जनक इसलिए प्रसन्न है कि आज जनकपुर की जो आसन है जिसको बरासन कहते हैं उस पर वो बैठा है जिसका श्रेष्ठ आचरण है। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। कथा से हृदय परिवर्तन करो, गलत आदतों को छोड़ो, शुद्ध खान पान रखो। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, गधा बोझा ढोता है कि नहीं ढोता है? लेकिन वो भूसा खाता है। बोलो खाता है कि नहीं? काम भी करता है वो भूसा खाता है, लेकिन भगवान ने तुम्हें कितना दिया और कितनी कृपा की कि मनुष्य बना करके तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति हो उतना काम कर लो। क्षमता से कम भी काम करोगे तो चलेगा, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि पर्याप्त भोजन मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? काम भले ही तुम कम कर लो लेकिन भगवान की कृपा से भोजन तुम्हें पर्याप्त ईश्वर देता है। बोलो देता है कि नहीं देता है? एक बार तुम काम भी नहीं करते हो तो घर के लोग कहते हैं भैया आज नहीं तो कल, नहीं परसों में, नहीं बरसों में आदत सुधरेगी करेगा। लेकिन भूखा मत सुलाओ, सोते हुए उठा के माँ भोजन कराती है कि बेटा तुम सो गए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, भोजन करा के माँ सुलाती है। सोते हुए बेटे को उठाती है, भोजन कराती है, फिर सुलाती है। यंग बेटों को उठाती है माँ, घर के लोग नाराज हो जाएं लेकिन माँ कहती है मेरा बेटा काम भले ही नहीं करता लेकिन भूखा ना सो गए। बोलो कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन कभी तुमने हृदय पर हाथ रखा सोचा कि एक गधा दिन भर बोझा ढोता है लेकिन उससे भूसा मिलता है, और अगर भूसा भी न मिले
तो भूखों भूखा रह जाएगा, लेकिन शराब लेकर के जाओगे तो पिएगा नहीं, मुंह क्यों गलत कह रहा हूं ऐसे। प्यासा रह जाएगा, भूखा रह जाएगा, लेकिन ईमानदारी से बताओ एक ढक्कन पिएगा? जल्दी बोलो, नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, वो कंफर्म कह रहा हूं। और उसी गधे के सामने अगर तुम मौसमी का जूस ले जाओ तो गट गट पिएगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे पानी जैसा लगेगा, क्यों लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन शराब की दुर्गंध से वो तुरंत मुंह मोड़ेगा। बोलो मोड़ेगा कि नहीं? ये नहीं समझेगा कि अनार का जूस ला रहे हो कि अनन्नास का जूस ला रहे हो, यही समझेगा पानी आ रहा है मेरे सामने। क्यों भाई, गधा क्या सोचेगा? पानी तो पीता है, भूसा ही नहीं खाता, पानी भी पीता है कि नहीं पीता है? लेकिन रस को वो चाहे मौसमी का हो चाहे अनार का हो, पानी समझ के पी लेगा। उसे ये मालूम नहीं है कि ये रस है, पानी समझ के पी लेगा। लेकिन शराब को सूंघ नहीं सकता है, रह नहीं सकता, इधर उधर गर्दन कर लेगा। बोलो कितनी गंदी चीज है ये, बोलो है कि नहीं? कि गधा भी स्वीकार नहीं करता इसे, बोलो। और तुम गट गट पी जाते हो और पूरी जमीन जायदाद पी गए, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है। बरमानी होता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचरण करने वाला हो वही बरासन पर बैठेगा। भगवान राम ने कहा सब तो प्रसन्न हो रहे हैं लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? क्या मेरे पिताजी आज प्रसन्न होकर के ये डिसीजन ले रहे हैं कि अयोध्या पहुंचते ही राम को सिंहासन पर बिठा दूंगा? मेरे पिताजी ये बिल्कुल संकल्प ले चुके हैं कि जैसे ही जनकपुर से राम अवधपुर पहुंचे तो तुरंत ही सिंहासन पर बिठाएं। और बोलो भाई, बरासन से डायरेक्ट सिंहासन पर प्रमोशन करना चाहते थे दशरथ जी के, नहीं राम का, कि सीधे सिंहासन पर बिठाए? भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, बरासन पर बैठने के बाद डायरेक्ट मालकाना हक नहीं देना चाहिए। इस बात को सुन लो, थोड़ा बहुओं को हमारी बात अटपटी लग रही होगी और थोड़ा सा अन्यथा भी ले रही होंगी कि ये महाराज अच्छी बात कहने चले आए। बताओ, हमारे पति को मालिक ना बनाया जाए, हमको मालकन ना बनाया जाए? हम समझ रहे हैं ना, ये होता है, ये जरूर होता है, दिमाग में आता है, ये बात जरूर आती है दिमाग में। अन्यथा मत लो, मालकिन तो तुम ही बनोगी भाई, वो संपत्ति कहाँ चली जाएगी, वो घर कहाँ चला जाएगा? लेकिन धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, विवाह के बाद भगवान राम ने कहा कि दूसरी आसन सिंहासन नहीं है। फिर दूसरा आसन कौन सा है? भगवान राम ने कहा दूसरा आसन है कुशासन। तो कुशासन का अर्थ ये नहीं है कि विवाह के बाद कुश की आसन डाल दो उस पर बैठ जाओ, कुश की आसन नहीं है। कुशासन का अर्थ है कि बरासन यदि हम बरमानी श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए हैं तो हमें श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। कुशासन का अर्थ है कि विवाह के बाद हमें कुप्रवृत्तियों पर अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए और कुप्रवृत्तियों को सदा सदा के लिए दूर करना चाहिए। बोलो, जब कुप्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी तो बोलो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा? और जहां कुप्रवृत्तियां दूर होंगी, ईमानदारी से बताओ, वहां रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा रामराज। और राम जी बोले, भले ही हमारा आदर्श सारी दुनिया मान रही है लेकिन हम ही सीधे सिंहासन पर बैठ जाएं तो लोग नियम बना लेंगे कि राम जी विवाह के बाद सिंहासन पर बैठे तो बैठा लो, हम चाहे जैसे बैठा लो सिंहासन पर, तो नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कानून कि नहीं? राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा कानून बनने नहीं दूंगा, मैं कुशासन पर बैठूंगा। चित्रकूट में जाके राम जी कुशासन पर बैठे, तो बरासन के बाद कहां बैठे राम जी? चित्रकूट में कुशासन बैठे कि नहीं? सीता लखन समेत प्रभु राजत परण निकेत। पर्णकुटी, पर्णकुटी किससे बनाई जाती है? जल्दी बोलो, पर्णकुटी घास फूस से बनाई जाती है, लकड़ी घास फूस इसका प्रयोग करोगे तो पर्णकुटी बनेगी।
ओ भगवान राम कनक भवन में नहीं बैठे विवाह के बाद। भगवान राम कहां बैठे?